हो रहा। हाँ, 2 दिन हो गए। जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का धन्वंतरी के YouTube चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्यवान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी, कुल मिलाकर हम सब हैं अध्ययन मंत्रा। तो स्वागत है आप सभी का, स्वागत स्वागत स्वागत, तो आ जाइएगा, है ना जी। स्वागत है आप सभी का। मेरी आवाज, चलचित्र, पीछे का पिक्चर सब कुछ देखेगा, आपको स्पष्ट सुनाई दे रहा है कि नहीं। फिर फटाफट इस क्लास की शुरुआत करेंगे, आप लोगों के सामने फटाफट हाजिर हो जाओ, बिल्कुल टाइम नहीं अपने पास, है ना। और बेटा जो 9 बजे वाली क्लास है वो शायद 9:30 बजे होगी, क्यों? क्योंकि भाई एक साथ लगातार खत्म नहीं हो पाएगी, थोड़ा सा ब्रेक भी चाहिएगा तुम लोगों को। धन्यवाद धन्यवाद, हट जाओ मेरे मैसेज देखने तो। ठीक है, रीट में मेन वाला, बेटा मेन वाला तो शायद अभी चला है नहीं, बाकी मेरे को पता नहीं है अभी टीम से। रेडी? चलो। अरे निकिता अंसारी, इसको बताओ जरा लड़की को, एनवीएस में टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास में अभी नहीं लेके आया गया, पगली पता नहीं कहाँ रहती क्लास में, है ना। हाँ आ जाओ सर जी, पॉकेट वाली ड्रेस पहना हो गया तुम्हारा। बेटा नसीन, आप अंसारी जी, आपने आज की क्लास चेक करो अपने पोर्टल में बेटा, है ना। डबल पॉकेट वाली ड्रेस पहनो, ठीक है। आज क्या है, सिंगल पॉकेट वाले, है ना, ठीक है, ओके चलेगा। तो यहां से शुरू करेंगे आज की क्लास, और ये रहा आपके सामने तो रेडी। आज एक काम करेंगे आप लोग, पहला पहला कार्य आप ये करेंगे कि आप एक छोटी कॉपी उठाएंगे, है ना। आप अपने सामने क्या एक छोटी सी कॉपी उठा लो, कॉपी नहीं करना, बस कॉपी उठाना है। उसमें मेरे आने से पहले ना, मेरे आने से पहले नंबर अपने डाल लो, 1 2 3 4 5 6 से लेके पूरे 50 तक डाल लिया करो नंबर। कितना है, 50 क्वेश्चन के नंबर डाल लिया करो। नंबर डालने के बाद उसमें क्या किया करो, सुनो, आज के बाद घर बैठे हो लेकिन ऐसा फील करना कि टेस्ट में तुम्हारे घर पे आके तुम्हारे सामने चेक करने वाला हूं। तो मेरे बच्चे अपना एक पेज लेना, उस पर अपना क्या लिखना, नाम लिखना। नाम लिखने के बाद अपना क्या है, मोबाइल नंबर लिखना, और मोबाइल नंबर की लास्ट डिजिट लिखना 4, है ना, 4 डिजिट बस। और यहां मत लिख देना, कमेंट बॉक्स में कर दो, हाँ ये वाली 4। उसके बाद वहां क्या रखे, टोटल नंबर रखना, 1 से लेके 50 तक पूरी की पूरी काउंटिंग करोगे, और 50 तक जब पूरी गिनती हो जाएगी, दूसरा है, 50 तक पूरी जब गिनती हो जाएगी उसके बाद लास्ट में टोटल ये देखेंगे कितना। अच्छा, जो सवाल नहीं आता आज से तुम एक काम करोगे, मान लो 1 से लेके जब सवाल चल रहे हो, 2 3 4 5, 5 नंबर तुम्हें नहीं आता, तो 5 नंबर अगर नहीं आता तो बेटा ब्लैंक छोड़ना, ये समझना निगेटिव मार्किंग है। और उसके बाद जो भी ब्लैंक छुटेगा इसका मतलब वो भी तुम्हारा क्या है, गलत जवाब। क्लियर है? तो लुक, है ना, अब यहां से जब सारी चीज हो जाएगी तो 1 से 50, और उसके बाद जब मैं क्लास खत्म करूंगा तुम लोगों को मेरे को ये बताना है कि तुम लोगों का टोटल स्कोर कितना है, ठीक है। कोई बेईमानी नहीं करोगे, पक्का है, बेईमानी नहीं होगी, हाँ है ना। अब देखो आज तुम्हारा तहलका मचाएगा भाई तुम्हारा, ठीक है, आ जाओ। अब तो छोड़ेंगे ना टीचिंग एग्जाम को, ये रहा भाई, एक बार मैसेज आगे बढ़ा दे, दिख नहीं रहे हमें, ठीक है। नासरीन अंसारी, हाँ सर अभी देखा, थैंक यू। मनो ध्यान रखा होगा तुम क्लास देखते हो, नहीं मेरी ऐसी जिंदगी हो जा रही है कि सर फटा जा रहा है पढ़ाते पढ़ाते हुए, ठीक है। नहीं नहीं धीरज सर, चिंता मत करिएगा धीरज सर, तुम देखे फोटो में, धीरज सर में तुम ओरिजिनल हमारे साथ ही देखोगे, है ना, वो एकदम प्रोग्राम सेट है ना, हाँ उनकी किताब थी आज उसमें ना। बेटा वो फोटो देखा, ओरिजिनल वाले देखना भी, तुमने अभी फोटो देखा है, ठीक चलेगा। तो यहां से शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, और ये रहा आज का पहला सवाल, बाकी जिसको शुरू में वो करना है ना, चलो जिसको लगता है कि अंगूठा लगाना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, लाइक करके आ सकता है उसको। चलो आगे बढ़े भाई, ये रहा, अरे नहीं नहीं वो बेटा फोटो देखा है, चलो आएंगे। ये लो भाई पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर, ये एनवीएस की नई किताब, इसका प्रचार करेंगे बाद में सीधा। पहला सवाल पोल आपके सामने जा चुका होगा, और पोल में पहला सवाल आपके सामने, पोल में पहला सवाल है भाई, हु एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब इन यूएसए, यूएसए में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने प्रस्तुत करी, क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। चलिए 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 आगे बढ़ो बेटा, आप छोड़ दो, अब बातें छोड़ दो सारे के सारे, बातें छोड़ दो सारे, बस पढ़ाई पे ध्यान दो। पहला सवाल आ गया आप लोगों के सामने,
कहता है बताइए, पहली यूएस सेमी साइकोलॉजी की स्टेनले ऑन लेवन वुंट और क्या है वॉटसन साहब? पहले सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी 61% लोग फटाफट देते हो। सिमरन कौर देते हैं स्टेनले हॉल, उसके बाद आते हैं और भी लोग, है ना। सस्ता जो कहते हैं सी 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 पे जाके जो है ना, ये जो लोग पढ़ते हैं कुछ और देखते हैं कुछ और, इनकी निगाहें कहीं निशाना कहीं, इन्हें लगेगा विलियम वुंट और ये हो जाएगा गड़बड़। अरे गधो नालायक हो, उसने यूएसए में नहीं लगाई थी, वुंट साहब ने लगाई थी कहां, जर्मनी में। जर्मनी का शहर था कौन सा? लिपजिंग। लिपजिंग है ना, हाँ, तो लिपजिंग शहर में लगाई थी। चलो सवाल साइकोलॉजी का अगर यूएसए वाला आ जाए तो यूएसए में लगाने वाले साहब है स्टेनले हॉल। पहले ही तुम्हारा खाता डाउन, पहला ही सवाल गलत कर दिया, पहला ही गलत कर दिया, बताओ। और ये सारे, हाँ बिल्कुल सर जी, ये किस जो सवाल है वन लाइनर अध्ययन मंत्रालय सीडीपी किताब में, बिल्कुल। तो पहले सवाल का देख लो 61% लोगों ने गलत जवाब दिया, बस बंद, मेरा जवाब देते आंसर बंद। 61% लोग थे जिन्होंने किसको चुना था, विलियम वुंट को। बेटा एक बार प्यार मोहब्बत ना इन ऑप्शन से मत किया करो, प्यार देखो चार लोगों से प्यार करोगे तो फंसोगे पिटोगे कटोगे, प्यार करो सिर्फ एक से, और एक क्या होता है सिर्फ और सिर्फ जवाब। तो इसका मतलब जो सवाल है वो एक बार याद रखना हमेशा वही। सवाल नंबर दो आ गया आपके सामने, पोल कहता जाए बताइए साइंटिफिक स्टडी ऑन क्रिएटिविटी, आपको बताना है ये कि रचनात्मकता पर वैज्ञानिक अध्ययन किसने शुरू किया था, बताओ। एक कोई पसंद करो तो तुम तीन चार को पसंद कर लेते हो, कंफ्यूजन में रहते हो, बताओ जरा। हाँ रचनात्मकता पर, हाँ वो जर्मनी में थे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलेगा सर आपकी सीडीपी बुक में लिखा है पॉइंटर पे। हाँ जी यार ये मच्छी मक्खी है ये क्या कर रही है, पगली सी, पढ़ना चाह रही तो वहां बैठ के नहीं पढ़ सकती कैमरे पे, इसी को टच करेगी। चलो भाई सवाल नंबर दो आज ही पढ़ा था, बहुत बढ़िया रहनु सवाश। नहीं दीपक, दीपिका मूड नहीं, सही कर मेरे बच्चे, 50 क्वेश्चन अभी पूरे हैं। तो देखो क्रिएटिविटी की अगर कोई बात करेगा, सवाल नंबर दो ऑप्शन नंबर एबीसी, आप में से अधिकांश लोगों ने दिया है ये। आज फिर पहली बार दूसरा विकेट दो बोल, और दो बोल पे मैंने दो विकेट गिरा दी तुम लोगों के, एकदम क्लीन बोल्ड मारा। तुम लोगों ने टोरेंस बोला, लेकिन टोरेंस ने साइंटिफिक स्टडी नहीं करी थी, साइंटिफिक स्टडी करी थी किस साहब ने, उनका नाम था गिलफर्ड साहब। क्या नाम था? गिलफर्ड। जो गिलफर्ड है वो बिल्कुल क्या है, सही जवाब। तो गिलफर्ड जो है वो बिल्कुल, अरे दुखी हो रही है। तो गिलफर्ड जो है सवाल नंबर दो ऑप्शन नंबर अचानक से बदलता हुआ, और ऑप्शन आ गया आपके सामने भी, बहुत बढ़िया। तो सवाल नंबर दो हो गया, पोल खत्म। तीसरा चलो भाई, अब आ रहा है आपके सामने नया सवाल, आज का सवाल नंबर तीन ये रहा दर्शकों स्क्रीन पर आपके सामने, इसे सर्च करने में लग रही है ये। चलो भाई ये रहा, अरे क्या कहां से आ गया आज इतनी मक्खियां यहाँ, ये देखे बोर्ड पे बैठेगी मेरे यार ये बदतमीज से, एसी चलाओ इनको बाहर निकाल लो यार, आई कहां से है आज। रुको भाई तुम्हारी दुश्मन आ गई कोई, दुखी कर रही है बिल्कुल, हट जा। ये ठंडी की वजह से आई क्या, देख मेरे फोटो पे कैसे चिपक चिपक के बैठ रही है बिल्कुल। चिल्लू पर पानी भिजवा रहा हूं बस। चलो सवाल नंबर तीन देखो बेटा, सवाल नंबर तीन आ गया आपके सामने पोल पर, कहता है हु वाज द फादर ऑफ कल्चरल हिस्ट्री हिस्टोरिकल साइकोलॉजी, सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान के जनक जो है वो कौन है बताइएगा, सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान के जनक कौन है बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। सवाल नंबर तीन बेटा आप देखो, सांस्कृतिक और उसके बाद ऐतिहासिक मनोविज्ञान के पिताजी कौन है, हाँ तो ये कहना चाहता है विलियम वुंट है, कार्ल्स रोजर है, लेव वाइगोत्स्की और उसके बाद है टोलमैन, है ना। बताओ सवाल का जवाब नंबर तीन, फटाफट जवाब दे, तीन का जवाब ऑप्शन नंबर सी की तरफ आ रहा है सबसे ज्यादा। देख मेरे बच्चे जो दिमाग लगा गया वो समझ गया, कल्चर भी लिखा है हिस्टोरिकल भी लिखा है, कल्चर जो आता है लैंग्वेज वाले और एक्सप्लेनेशन, सॉरी सॉरी सवाल का सीधा जवाब लो क्या होगा, लेव वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की जो साहब है वो बिल्कुल क्या है जी, कार्ल्स रोजर जो है वो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के पापा होते हैं, नॉन डायरेक्टिव। विलियम वुंट जो है स्ट्रक्चरलिज्म के पापा हैं, टोलमैन ने जो इमेज थ्योरी वाली थ्योरी दी है। अगला सवाल देखो, तीसरे का बिल्कुल सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नया जवाब सवाल नंबर आपके सामने ये रहा जो पूछता है नंबर चार, थ्योरी इज गिवन बाय लेव वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल कल्चर थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, बोथ ए एंड बी, बताए जल्दी सवाल का सही जवाब क्या होगा। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं,
बहुत बढ़िया। नंबर चार, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी बेटा, चार का जो जवाब आएगा, देखो क्या लव वाइगोत्स्की के साथ नंबर चार तुम किस पे पहुंचोगे देख लेता हूं मैं। चार का जवाब किसी ने दिया है सी, किसी ने दिया डी, सरकारी जवाब सबके पास है, कोई बी चुन रहा है। देखो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में बात करते हैं, हाँ सोशो कल्चर थ्योरी, जी हाँ एसएलटी थ्योरी के बारे में बात करते हैं, बेंडुरा, तो इसका मतलब दो कौन कौन से बात करते हैं, ए और बी, ए और बी किसके पास है डी, तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। तो जिन लोगों ने इस सवाल का जवाब दिया है डी वो बिल्कुल एकदम क्या है सही, एकदम सही, एकदम सही। नंबर चार के बाद ये लो जी नंबर पांच आपके सामने स्क्रीन पर पहुंचेगा, हु टोल्ड अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, किसने बात की थी सांवेगिक बुद्धि के बारे में, सांवेगिक बुद्धि के बारे में किसने बात करी थी, डेनियल गोलमैन, हार्वर्ड गार्डनर, सिरिल बर्ड, थर्स्टन और केली। जी नंबर पांच इमोशनल इंटेलिजेंस। चलो तुम्हारी जानकारी के लिए एक चीज और बता देता हूं, इमोशनल इंटेलिजेंस की जानकारी सबसे पहले, सबसे पहली बार मेरे द्वारा दी जाएगी। देखो 1983 में सबसे पहले इंटर और इंट्रापर्सनल को लेके आते हैं गार्डनर, उसके बाद 1990 में मेरे बच्चे आते हैं कौन, मेयर और सोलवे, कौन आते हैं मेयर और सोलवे, उसके बाद दूसरे तीन में जो 1995 में साहब आते हैं जिनका नाम क्या है डेनियल गोलमैन, तो जो नाम है इस ऑप्शन में क्या है सिर्फ और सिर्फ क्या है डेनियल गोलमैन, कोई बात नहीं, डेनियल क्या है गोलमैन। तो जिन लोगों ने सवाल का जवाब डेनियल गोलमैन के साथ चुना है फिलहाल बिल्कुल क्या है सही, लेकिन अपनी नॉलेज को अपडेट कर लो, 1995 में ये क्या कहलाते हैं डेनियल गोलमैन फादर कहलाते हैं ईआई के। ईआई का जवाब क्लियर बेटा, ईआई का जवाब क्या है क्लियर, प्लीज पोल में दीजिएगा वोट। नंबर आपके सामने सिक्स है, बताना है बियॉन्ड फ्रीडम जो किताब है वो किसकी है, बियॉन्ड फ्रीडम स्वतंत्रता से परे जो किताब है वो किसकी है, वाइगोत्स्की, ब्रूनर, वाटसन, स्कीनर। जी बहुत बढ़िया, हाँ ये जानकारी शायद आपको पता नहीं कि सबसे पहले इसके बारे में किसने, गार्डनर ने बात की थी। चलो नंबर सिक्स आता है बियॉन्ड फ्रीडम, बियॉन्ड फ्रीडम जो आएगा तो किसकी किताब है, बियॉन्ड फ्रीडम उसी की बात है जिसका नाम बी से शुरू होता है, जिसका नाम बी से शुरू, बियॉन्ड फ्रीडम बी, बियॉन्ड फ्रीडम बी, बी से शुरू होगा, बता दो फटाफट क्या होगा, ए चली जाना मर जाएगी, ये आ रहा है स्कीनर, स्कीनर, स्कीनर। जी सिक्स का डी आ रहा है, जिन्होंने मेरी बात बी ऑप्शन लगने लगा, ब्रूनर, 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो मैं तुम्हें क्या होगा, मैं लालच दूंगा तुम लालच में फंसोगे, लेकिन दिमाग भगवान ने तुम्हें ही दिया है, तुम फंसोगे, फंसोगे क्यों फंसोगे, तुम्हें लगा होगा बी का मतलब होगा ब्रूनर, अरे गधो स्कीनर का पूरा नाम क्या है बी एफ स्कीनर, क्या है बी एफ स्कीनर, तो नाम किसी से शुरू होता है बी से शुरू होता है ना, मैंने गलत नहीं बोला, तो सवाल का जवाब ब्रूनर नहीं होगा, सवाल का जवाब होगा स्कीनर, तो स्कीनर साहब के नाम के साथ तुम खा गए गचका, है ना, ये क्या है ना बी से क्या हुआ, ना 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 कंफ्यूजन ही, मैंने सिर्फ कहा कि नाम बी से शुरू होगा, तुम नोगरे स्कीनर, तो बेटा पीछे आता है, शुरू में क्या आता है बी तो आता है, तो इस सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कैसा लगा मैं। चलो आगे बढ़ेंगे नए सवाल के जवाब के साथ, और जो नया सवाल है वो क्या है यार, कुछ ऐसा जुगाड़ कर दे, देखिए देखिए क्या कर रही है, कुछ जुगाड़ कर देंगे इनका, करिए जल्दी ले क्या, हाँ कर, अंधेरा, लाइट बंद करनी पड़ेगी, भाग जाएंगे बाहर, चल तो निकल ले भाई साहब। नंबर सात, एरिक होमबर्ग एरिक्सन वाज क्लासिफाइड ह्यूमन डेवलपमेंट इनटू हाउ मेनी स्टेजेस, बताओ एरिक्सन ने कितनी स्टेजेस बांटी थी बेटा, है ना, सर पोपट करवा दे, देखो मैं घुमाने का काम मैं तुम्हें सही बताता हूं, तुम क्या करते हो तुम रट्टू हो चुके हो, मेरे को बस उस दुनिया से बाहर निकालना है तुम्हें, सर आप रोंग करा ना ही मानी, मैंने रोंग नहीं कराया मैंने सही बोला था, तो यहां रहा बेटा नया सवाल, चलो कोई बात नहीं, एरिक एरिक्सन की बेटा साइको सोशल थ्योरी है, कितनी आती है 5-6-8-4, 5-6-8-4 बिल्कुल याद रखने वाली बात है, क्योंकि एरिक एरिक्सन जो साहब आते हैं वो कहां पे आते हैं ई पे, ई से क्या बन जाता है एट बन जाता है, और जो एट बन जाता है वो यहां पर आ जाता है, तो आठ स्टेजेस बताते हैं साहब, इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी। नया सवाल भाई, नया सवाल आपके सामने ये रहा, यार ये नहीं मरेगी मेरे हाथ से, द फर्स्ट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हु एक्सपेरिमेंटेड ऑन द एनिमल वॉज, पहली बार जानवरों पर परीक्षण करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम क्या था, बताएं जल्दी क्या था, आठ नौ आ गया क्या, पहले आठ बताओ यार,
पहले नौ ही करवा दोगे? चल आठ बताओ पहले भाई, आठ बताओ यार। इस मक्खी ने दुखी कर दिया मैं आज यार, बताओ हद कर दी। पन्ना तेरी बाल को कोई जोड़ा बना के बैठी है। बहन चली जा, चलो नंबर आठ। हाँ जी, तो मेरे बेटे अगर पूछ रहा है कि मैच्योरिटी जो थ्योरी है वो किसने दिया था, सवाल नंबर नौ ऑप्शन नंबर ए के साथ एकदम बढ़िया जा रहे हो। जो मैच्योरिटी वाली थ्योरी आएगी वो किसके साथ जाती है? मैडम हारलोक के साथ। किसके साथ जाएगा? हारलोक मैडम। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए लगाया वो बिल्कुल क्या है सही, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए लगाया वो बिल्कुल क्या है सही। तो आठ का जवाब जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर, अरे यार देख मैं भी नौ नंबर पढ़ के दे रहा हूँ जवाब। बेटा नौ आठ नंबर है ना, हाँ आठ नंबर का जवाब अगर मैच्योरिटी वाली बात करेंगे तो वो किसके साथ आता है? कैसल के साथ। किसके साथ आएगा? आठ का जवाब होगा ऑप्शन नंबर एल। इस मक्खी के चक्कर में दो सवाल गलत हो गए यार। हाँ देखो ये गड़बड़ हो जाएगी है ना, आगे आओ जरा। तो यहां है ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो सवाल बदल गया, आंसर बदल गया, इस वजह से हुआ। आठ का जो जवाब है, तुमने नौ का दिया आठ का दिया, मैं क्लियर कर देता हूं। आठ का जो मैच्योरिटी वाले किसके साथ आई? गैसल के साथ। नौ नंबर दे यार, ये हद होगी। ए मर जा यार, इसका कुछ कर यार। नौ नंबर लो बेटा। द फर्स्ट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हु एक्सपेरिमेंटेड ऑन द एनिमल वाज, एनिमल पर पहला एक्सपेरिमेंट किसने किया? ठीक है ठीक है। जिन्होंने बेटा आठ का सी दिया वो सारे सही दें। क्वेश्चन चेंज हो गया इस वजह से आंसर बदल गया। जी ना, पहला अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जिसने एक्सपेरिमेंट किया था किस पर? एनिमल पर। जल्दी बताओ क्या होगा? एनिमल पर एक्सपेरिमेंट करने वाला पहला जो मनोवैज्ञानिक है वो कौन है? जल्दी जवाब दे। हाँ जी, तो इस सवाल का जवाब बेटा याद। अच्छा ये दो एक बात याद रखिए थोंडाइक, और एक चीज और है, आपने इनकी एक बुक और देखी होगी उसका भी नाम याद रख लीजिएगा। एनिमल इंटेलिजेंस के नाम से अगर कोई बात होगी तो ये किताब भी इन साहब की आती है, जिसके बारे में बात कौन करते हैं? हमारे थोंडाइक साहब। तो थोंडाइक का इस सवाल का जवाब क्या है? बिल्कुल सही। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे नया सवाल। नौ नंबर के बाद क्या होगा? दस नंबर। और दस नंबर है ये रहा, डेवलपमेंट है डेवलपमेंट है डेवलपमेंट है, बताइए विकास क्या है? हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट इंटू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट प्लस पर्सनैलिटी है, या इन्वायरमेंटल इंटू मेच्योरिटी है? फटाफट डेवलपमेंट क्या होगा? हाँ जी, थोंडाई की किताब का नाम क्या है? एनिमल इंटेलिजेंस। बिल्कुल चलिएगा, डेवलपमेंट क्या है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट जवाब दे भाई। विकास जो होगा, और ये वाला जो वचन विकास का है ये दिया है वुडवर्थ ने। किसने दिया है? वुडवर्थ साहब का स्टेटमेंट है, जो ये बोलते हैं क्या कि जो डेवलपमेंट है इज इक्वल टू होता है हेरिडिटी और इसका इन्वायरमेंट। जितने लोगों ने जवाब दिया इनटू वाला वो सारे क्या है सही। तो अगर किसी ने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी तो बेटा ये भी याद रखना, ये जो बात बोली है किसने बोली है? गिवन बाय वुडवर्थ होगा, जिन्होंने इसके बारे में बात की है। आगे देखेंगे नए सवाल की तरफ। नया नंबर 10 के बाद जो आ रहा है आपके सामने क्या होगा? 11। SOR थ्योरी, SOR थ्योरी, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। ये बेटा अपनी कॉपी में उतार लेना जब बाद में सवाल का जवाब दे दो। तो कई बार पूछ लिया जाता है ओ से क्या होगा। तो यहां जो एस ओ आर थ्योरी है इसके आपसे बता दीजिएगा, एस ओ आर जो है वो किसने दिया है फॉर्मूला? जल्दी बताओ बेटा, नंबर 11।
एस ओ आर फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया है? देखो अभी तुम सवाल का जवाब दे के आए थे, अभी फिर तुम इसको पकड़ जाओगे। तो नंबर 11 अगर देखोगे तो 11 नंबर का जवाब याद रखना, अगर कोई एस ओ आर फॉर्मूला पर बात करे तो याद रखना इसको देने वाले कौन है, वुडवर्थ साहब। कौन है? वुडवर्थ। तो जिन्होंने इस सवाल का जवाब, अधिकांश लोग जानते ही नहीं होंगे, कोई देखो पैवलोव को चुन रहा होगा, कोई कर्ट लेवन को, कोई रोजर को, लेकिन इस फॉर्मूले को दिया था बेटा अपनी किताब में दिया था इन्होंने, और जिनकी किताब आई थी 1938 में और एक 1954 में, उसमें इसका जिक्र हुआ था। फिलहाल सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए। चलो नया सवाल देखो, ये रहा 12 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेमोक्रेटिक मेथड ऑफ क्लास टीचिंग, पूछ रहे हैं कौन सा एक डेमोक्रेटिक मेथड नहीं होता, मतलब एक स्वतंत्र विधि नहीं होती जिसमें टीचर बच्चा दोनों पढ़ रहे हैं, नहीं पूछा गया है। क्या पूछा गया है? नहीं। 12 नंबर जल्दी जवाब, कौन सा एक डेमोक्रेटिक मेथड नहीं है? रितु बेटा ये वाली पढ़ लेगी, ये भी आपकी उसकी मदद करेगा, है ना। चलो नंबर आपके सामने पूछा जा रहा है, ये वाला सवाल सीटेट का ही सवाल है, तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है डेमोक्रेटिक मेथड। देखो अगर कभी भी आएगा तो मैंने बताया था प्रोजेक्ट, ह्यूरिस्टिक और जो ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये तीनों क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड। लेकिन जो लेक्चर मेथड है ये क्या होता है? टीचर सेंटर्ड। क्या होगा? टीचर सेंटर्ड। तो इसकी टीसी काट दो, और टीसी काट दोगे तो निकाल दोगे, इसका मतलब सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर होगा सी। 12 का जवाब सी आता है। आगे देखो नया सवाल नंबर 13, पूछ रहा है आपसे एनसीएफ किस पर आधारित है, या एनसीएफ किस किस समझ पर आधारित है, जल्दी जवाब दें भाई। एनसीएफ 2005 आधारित है किसकी समझ पर? ऑप्शन नंबर ए कॉग्निटिव, ह्यूमनिस्टिक, बिहेवियरिस्टिक, या फिर होगा कंस्ट्रक्टिव, बताओ जल्दी किस किस पर आधारित है। बहुत ही बढ़िया चल रहे हो भाई, बहुत बढ़िया। तो अगर नंबर 13 के साथ आप जा रहे हो तो याद रखना बेटा जो 2005 से पहले है, 2005 से पहले किस पे है? सी पर। लेकिन 2005 वाला जिस पर आधारित है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो लगभग लगभग 57% लोगों ने डी जवाब दिया, बहुत बढ़िया जवाब दिया भाई, बहुत बढ़िया जवाब दिया, एकदम सही है। चलो नया नंबर देखो 13 के बाद 14, इवेल्युएशन डन ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस इज कॉल्ड, मतलब पढ़ाने के दौरान जो मूल्यांकन आप करते हैं, पढ़ाने के दौरान जो आप मूल्यांकन करते हैं वो क्या कहलाता है? समेटिव, फॉर्मेटिव, कॉम्प्रिहेंसिव, या असेसमेंट ऑफ लर्निंग। बहुत बढ़िया जा रहे हो, शाबाश। बहुत बढ़िया प्रियंका, शाबाश मेरे बच्चे। अब सवाल आता है ये वाला कि पढ़ाने, बेटा एक बात याद रखना, कोई भी ऐसा असेसमेंट जो ड्यूरिंग होगा वो हमेशा क्या होगा? फॉर्मेटिव, और जो एंड होगा वो क्या होगा? सबमिटिव। तो दोनों सवाल का जवाब ले लेना। फिलहाल इन्होंने ड्यूरिंग पूछा है, तो ड्यूरिंग वाला जब भी आएगा वो किसके साथ आएगा? ऑप्शन नंबर बी, जिसका जवाब आप देते हैं फॉर्मेटिव। तो जिन लोगों ने फॉर्मेटिव जवाब दिया है वो बिल्कुल क्या होगा? सही। आगे देखो नया सवाल 15 नंबर, परफेक्ट जा रहे हो, कुछ गलत लेकिन बाकी सही थे। सवाल नंबर 15 बताना है, आरटीई 2009 एडवोकेट करता है किस चीज की? आरटीई 2009 वकालत करता है किस चीज की, बताइएगा किसकी वकालत करता है? चलो आरटीई 2009 किसकी वकालत करता है, ये वाली बात पूछ रहा है आपसे। अब देखो ये कहना चाहता है आपसे मेन स्ट्रीम एजुकेशन की इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव या इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल। अब सवाल नंबर 15 तुम्हारी दिल की धड़कनों को बढ़ाएगा, तुमसे कहेगा कि लिख देते हैं डी। लेकिन बेटा याद रखना आरटी जो होगा वो क्या कहता है? सबके लिए नहीं, यहां पर इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है आरटी, 6 से 14 वर्ष के बारे में बात करता है, और सबके लिए क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन की बात। तो सवाल नंबर 15 जवाब होगा इसका सी। आगे देखो 16 नंबर, फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, आपसे पूछा जा रहा है कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के पिताजी कौन है। कई बार बता चुका हूं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जिसमें आप जानते हैं ना नॉर्मल, चलो कॉग्निटिव छोड़ दो, बस तुम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बताओ। नंबर 16,
सवाल नंबर 16 ऑप्शन नंबर एबीसी। बेटा याद रखना डेवलपमेंटल साइकोलॉजी वो है जिन्होंने दी है चार स्टेज, क्या दी है चार स्टेज, और जिन्होंने चार स्टेज दिए वो है पिया, पिया के साथ क्या है गेट, पिया जी है ना, तो याद रखने पिया को गेट करो पिया जी आ जाएंगे है ना। हाँ चलेगा, आगे देखेंगे नया सवाल, और जो नया सवाल आपके सामने आता है 16 के बाद वो क्या है 17 कहता है चार पी क्रिएटिविटी जिसमें एक कौन सा शामिल नहीं है। क्रिएटिविटी के इसका मतलब क्या होते हैं चार पी में से कोई एक नहीं है आपके ऑप्शन में, बताओ कौन सा अवेलेबल नहीं है। ऑप्शन नंबर प्रोडक्ट प्रोग्रेस पर्सन प्रोसेस बताइएगा, चार पी जो क्रिएटिविटी होते हैं उसमें कौन किसको शामिल नहीं किया जाता। बहुत सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपने इस सवाल का जो जवाब लगाया है फिलहाल आपके सामने, तो बेटा याद रखना उसमें प्रोडक्ट होता है प्रोग्रेस, प्रोडक्ट होता है पर्सन होता है और क्या होगा प्रोसेस, तो एक सवाल नहीं होता। जो आपने 17 नंबर में दिया है वो है ऑप्शन नंबर आपका क्या सी है 17 का, याद रखना उसमें क्या नहीं होता प्रोग्रेस नहीं होता, तो प्रोग्रेस नहीं होता तो प्रोग्रेस की जगह क्या होता है, तो याद रखना प्रोग्रेस की जगह मेरे बच्चे क्या होता है प्रेस, ताकि तुम्हें यह भी पता चल जाए कि जो क्रिएटिविटी के चार पी हैं वो क्या होते हैं प्रोडक्ट प्रेस पर्सन और प्रोसेस, तो यहां याद रखिएगा प्रोग्रेस इसका जवाब नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे 17 नंबर के बाद हमारे सामने 18 नंबर ये रहा, पहला स्टेप माइक्रो टीचिंग साइकिल का क्या होता है, माइक्रो टीचिंग साइकिल का पहला जो कदम होता है वो क्या होगा बताएं। नंबर 18 देखो अगर ध्यान दोगे तो माइक्रो टीचिंग के कुल मिलाकर नॉर्मली कितने होते हैं 5 स्टेप, जो 5 स्टेप होते हैं उनकी टाइमिंग बटी होती है 6 होगी 6 होगी 12 होगी 6 होगी 6, कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं 36 अकॉर्डिंग टू एंड। पहले वाले में यहां तक क्या है टीचिंग होगा वो होता है फीडबैक, यहां पर होता है रीप्लान, उसके बाद ये क्या है रीटीचिंग, उसके बाद रीफीडबैक। लेकिन मेरे बच्चे क्योंकि पहले ही आप घर से तैयार करके एक चीज लाते हैं जिसको क्या बोला जाता है प्लानिंग, क्या बोला जाता है प्लानिंग, तो इसलिए जो मेंशन प्लानिंग का कोई टाइम तो नहीं होता लेकिन पहला स्टेप हमेशा क्या कहलाएगा प्लानिंग, क्योंकि आप जो प्लान करके आते हैं उसे ही क्या करेंगे रीप्लान। तो सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, DW Allen है, ड्वाइट एलन जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बात की थी। आगे देखो नया नंबर जो है 19 बुक द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इज रिटन बाय, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इज रिटन बाय एक किताब है जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, जो लिखी गई है किसके द्वारा, ब्रूनर द्वारा, बेंडुआ द्वारा, हर्बर्ट द्वारा, फ्रोबेल द्वारा। नंबर 19 ऑप्शन नंबर एबीसी, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन किसके द्वारा लिखी गई है जी, ये किताब जिसके द्वारा लिखी गई है उसका नाम भी बी से शुरू होता है, इसका नाम भी क्या होता है बी से शुरू, सोच के रखना जवाब देना, हाँ जी बी से शुरू होता है वो नाम, बी से नाम शुरू होता है, जिनको तुक्का लग रहा है तुक्का सही, जिनको नहीं पता बाद में देखेंगे बता दूंगा मैं, ठीक है शायद शायद में नहीं चलना कंफर्म बताओ, जिसको शायद लग रहा वो अपना आंसर गलत कर ले। हाँ तो देखिए प्रोसेस ऑफ एजुकेशन जो है उनका जो सही जवाब है, अगर वो जानना चाहते हैं ब्रूनर ना वापसी लौट जाओ, क्या नाम है जेरोम ब्रूनर, तो जो ब्रूनर साहब हैं जो कोग्निटिव वाले हैं हमारे EIS वाले, वो बिल्कुल सही जवाब, तो ब्रूनर जिन्होंने चुना है। सवाल का जवाब देखो बी से बेंडुरा पहुंच गए, अरे इस बार जी से ब्रूनर ही था है ना, इस बार क्या था हाँ जेरोम ब्रूनर ही था, ठीक है तो सवाल का जवाब मेरे बच्चे यही होगा। नया सवाल जिसका नंबर 20 है आपके सामने तशरीफ है जी, हु इज द फादर ऑफ चाइल्ड डेलिक्वेंसी, बाल अपराध के जनक कौन कहलाते हैं, बाल अपराध के जो जनक हैं वो कौन कहलाते हैं। अपराधी को जेल में डाल दो, अपराधी को जेल में डाल दो, तो अब समझ जाओ इस सवाल का जवाब क्या होगा, अपराधी को जेल में डाल दो जी। ये है आपका सीजर लंब्रोसो, स्टेनले होल, एलिजाबेथ हरलोक या फिर है सिरिल बर्ट, तो यहां आपने सवाल का जवाब जो दिया है, इस सवाल का जवाब बेटा याद रखना इसके साथ, अभी क्या हुआ जेल में डालोगे तो किसी को क्या कर दोगे सीज, तो यहां सीजर लंब्रोसो जो है, जो सीजर लंब्रोसो जिनको याद रहेगा, तो 20 नंबर का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो 20 का जवाब अगर ए दिया है लेकिन इस सवाल का भी नालायक हो, 20 नंबर में जो जवाब आ रहा है वो क्या रहा है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या है बी।
भाई 20 के बाद ना तुम लोग पोल में गड़बड़ करते हो। चलो रहने देते, बोली तुम भी क्या याद करोगे। तो यहां जो होगा सीजल एम्ब्रोस नया नंबर आ गया 21, ये रहा प्रचार आ गया। आज नहीं करूंगा, टेस्ट के बीच में कोई प्रचार नहीं। नंबर 21, प्रोजेक्ट मेथड वाज इन्वेंटेड बाय किल पैट्रिक इन। एक नया सवाल तुम्हारी तशरीफ मिला दिया मैंने आज। तुम क्या जानो, तुम बोलोगे प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया, किल पैट्रिक ने। मैंने पूछ लिया बताओ किस ईयर में दिया, 1815, 1928 या 1880, बता दो जरा। हाँ शिनी गल बेटा, केवीएस सर एग्जाम के लिए लिखा तो है बेटा, है ना। केवीएस के एग्जाम में ईवीएस आती है, हिंदी आती है, टीएटीएम आती है। चलो पोल वाले भैया पोल को रिमूव कर दे रहे हैं। हाँ यार पोल से ना आगे पीछे हो रहा है। टाइमर दूंगा 15 सेकंड का, फटाफट होगा और स्पीड बढ़ा देंगे। सर पोल बंद करो आज टाइमर से, एक दिन हम पोल से ना मजा नहीं आ रहा मेरे को भी। चलो तो अंदाजा लगाओ इस सवाल का, बताओ कब दिया था प्रोजेक्ट मेथड इन्वेंटेड किया गया था किल पैट्रिक साहब द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। 21 का जो सही जवाब है कब दिया गया था, एबीसी। अरे तुक्के मशीन है ना, सारे के सारे तुक्के मार रहे हो एकदम। तो बेटा याद रखना प्रोजेक्ट मेथड किल पैट्रिक दिया गया था कब, 1918। कब दिया गया था, 19वीं शताब्दी के आसपास, इसका मतलब 1918 में। 1918 सोनी चौहान जब चलेगी बेटा दिख जाएगी, ठीक है। चलो यहां पढ़ने में ध्यान दो। तो इस सवाल का जवाब 21 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपने जो दिया है वो बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन नंबर 1। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 चुना है वो बिल्कुल क्या है, सही। चलिएगा अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा भाई, अगला सवाल स्क्रीन पर आएगा। रुक जाओ जरा, टाइमर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, खून पी। बस 15 सेकंड का सवाल होगा, 15 सेकंड का टाइमर होगा। कुछ और ही हो गया तो हाँ, अब बनी बात सही है। चलो भाई बेटा पोल जल्दी हट जाते तो आप सही जवाब नहीं आ पाता, पोल में बेटा है तो चलो टाइमर रहेगा, ठीक है। ये लो भाई अगला सवाल 15 सेकंड के लिए स्क्रीन पर। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म का किसने दिया था, बताओ जरा। पारस्परिक नीतिवाद की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, जल्दी जल्दी। नंबर 22 समय समाप्त। तो 22 का जो जवाब दे रहे हो, देखो रेसिप्रोकल वर्ड तुम्हें लगता होगा ये जो दिया गया, तो ये आप देखते हैं किसकी, वाइगोत्स्की की थ्योरी में। तो तुम्हारा दिल हो रहा होगा इसके साथ चलोगे, बी के साथ। लेकिन याद रखना जैसे जो ये छुपे छुपे वर्ड जो लेके आए ना यहाँ पर, तो रेसिप्रोकल जो डिटर्मिनिज्म है इसके बारे में जो साहब बात करते हैं उनका नाम क्या है, बेंडुरा। क्या नाम है, 22 का जो जवाब होगा वो याद रखना ऑप्शन नंबर सी, बेंडुरा। तो जिन्होंने बेंडुरा चुना है एल्बर्ट बेंडुरा, सही। अगला सवाल 23 नंबर 15 सेकंड के लिए ये रहा। ऑपरेंट कंडीशनिंग मेनली एम्पथाइज ऑन, किस पर जो दबाव डालती है ये। वहां से ऊपर से प्ले कर देना लाके, उल्टा लूप नहीं लगाया मैंने तुमने। बस तो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो किस पर, वो टीचर एनवायरनमेंट रीइंफोर्समेंट। बेटा याद रखना ऑपरेंट कंडीशनिंग जो स्किनर साहब की है, स्किनर साहब किसके बारे में बात बताते हैं ज्यादा, रीइंफोर्समेंट। तो सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो 23 के बाद ये रहा 24। ईआरजी थ्योरी ऑफ इंस्पिरेशन, प्रेरणा का या मोटिवेशन का ईआरजी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। ईआरजी सिद्धांत प्रेरणा का किसके द्वारा दिया गया है, बताइएगा जरा। अभिप्रेरणा का ईआरजी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। हाँ जी बताइएगा, ईआरजी जो सिद्धांत है वो किसका, हेजरबर्ग ने दिया है, डेसी ने दिया है, एलेक्ट ने दिया है, या फिर एल्फर्ड ने दिया है। जी नंबर 24 का जवाब, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, हे भगवान। देखो यार 25 नंबर के बाद बताऊंगा, तुम ना बड़ा दुखी करने। बेटा याद रखना इसके साथ अगर होगा तो लास्ट में देखो जो नाम दिख रहा होगा ना यहाँ पर, ईआरजी थ्योरी में क्या दिख रहा है, आरजी। ये नाम क्या दिख रहा है, आरजी। तो समझ जाओ किसके पास पहुंच जाओगे, आरजी। तो ईआरजी थ्योरी के जो सिद्धांतकार है ऑप्शन नंबर सी सी सी। अरे एक तरफा गलत जवाब दे रहे हो, है
एक तरफा लगे पड़े हो बिल्कुल भाई। नाम हिंदी में कल से दे देंगे भाई, और क्या होगा, तुम तो बिल्कुल भी हिंदी नहीं है ना। तो जिन्होंने सवाल का जवाब ए दिया वो बिल्कुल क्या है, सही। अच्छा खुश हो रहे होंगे ना जो, बिल्कुल। देखो अब जरा एक बात समझ जाओ, है ना, न्यू क्वेश्चन लग रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा कभी कभी होगा आपके सामने कि तुक्का आएगा, तुम्हें क्या लगेगा इसके साथ आरजी, इसके साथ। हम ये अक्सर दिमाग लगाते हैं, और जो ये अक्सर दिमाग लगाते हैं ना, तो याद रखना बेटा तुक्के तब सही होते हैं जब समझ सही होगी। तो जितने लोगों ने ई आर जी और आर जी का कॉन्सेप्ट लगाया, जैसे मैंने देख लिया, तो इसका मतलब जितने आर जी का कॉन्सेप्ट लगा रहे वो गलत है। इसका जो सवाल का जवाब होगा वो क्या होगा, एड पर होगा। तो जो सवाल का जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी ही होगा। कौन सा होगा, डी ही होगा। तो जो कुछ लोग तुक्का लगा रहे थे ना, उन तुक्के को मैं सही कर दूं जरा, ऑप्शन नंबर ए नहीं, सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। आगे लो भाई, तुम ना ऐसे मत परेशान करो यार, पोल दो या ये दो, सवाल दो। ड्राइव जो है, ड्राइव रिडक्शन जो थ्योरी है ना, तो जो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है वो बताइएगा किसने दी है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसने दी है। सवाल नंबर जो आपका 25 है बताओ जरा भाई। ये पोल ही मांगेंगे तो इन्हें पोल ही दे दे यार, बहुत दुखी करेंगे हमें। दे दे अगले सवाल में पोल। सर सवाल नहीं है, नहीं पढ़े पहले, ठीक है बेटा कोई नहीं। चलो बहुत बढ़िया, नंबर 25 ऑप्शन नंबर ए बी सी डी है ना। अगर नंबर 25 इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बी सी डी, तो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसने दी थी, जो क्लार्क हल। तो 25 नंबर का जवाब किसने दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में। ये भगवान, इसमें भी गलत आ रहा है। क्यों नाम है इसका, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी को देने वाले कौन है, क्लार्क हल। तो जिन लोगों ने क्लार्क हल दिया है वो बिल्कुल क्या है, सही, एकदम बढ़िया। नंबर 26 देखो जरा स्क्रीन पर, ये रहा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड केम इन विच 5 ईयर प्लान, बताइए कौन सी पंचवर्षीय योजना में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था। जी तो आपके सामने जवाब 25 का जवाब 26, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड याद रखना बेटा 1986 की किस में आया था, 1986 की जो हमारी एनईपी है उसमें दिया गया था कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी होंगी। अब आपको ये बताना है कि नंबर 26 का जो जवाब, बेटा टेस्ट का मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं होती जो भी है यहाँ, है ना। 26 का जवाब अगर कोई भूल गया तो याद रखिएगा, ये हमारे सामने जो आई थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, हमारे पास कब आया था, सातवीं पंचवर्षीय योजना में। कब आया था, सातवीं पंचवर्षीय योजना में, तो जो सेवेंथ ईयर प्लान था उसमें आया था ये वाली बात। 26 के बाद ये लो 27, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है, तो जो चाइल्डहुड होता है, चाइल्डहुड में जो ब्रेन होगा उसका कितना प्रतिशत विकास हो जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बाल्यावस्था में कितना प्रतिशत विकास हो जाता है आपके मस्तिष्क का, ये सवाल पूछा गया यहाँ। 60, 80, 90, 50, कितने प्रतिशत हो जाता है। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का, याद रखना बाल्यावस्था सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है आपके लाइफ का, और उसी में आपके लगभग जो मस्तिष्क होता है, जो ये आपका भेजा है भगवान ने, जो आपको भेजा है, उसका क्या हो जाता है, 90%, कितना 90% डेवलपमेंट हो जाता है, कब, चाइल्डहुड में ही। तो सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। आगे देखेंगे 27 के बाद 28, प्लेटो इन लर्निंग कर्व इज ड्यू टू, अधिगम का जो पठार है वो किसके कारण बनता है, अधिगम का जो पठार है वो किसके कारण बनता है, इंटरेस्ट मोटिवेशन फटीक या मैचुरेशन, मतलब आपके लर्निंग में जो रुकावट आ जाती है उसका रीजन क्या होता है, इंटरेस्ट होगा, मोटिवेशन होगा, थकान होगी, मैचुरेशन होगा। जी देखो अगर लर्निंग का पठार है, इसका मतलब वो कहना चाहता है कि एक टाइम के बाद जाके आपकी लर्निंग क्या है, रुक जाएगी, और रुक जाएगी तो जैसे आप कभी कभी थके हुए हो, शरीर में थकान है, तो शायद जैसे मैं किसी दिन थक जाऊं और उसमें पढ़ाने में उतना एनर्जी ना आ पाए जितनी रोजमर्रा में आती है, तो इसका मतलब उस दिन का जो रीजन होगा वो क्या होगी, मेरी थकान होगी। आगे देखेंगे 28 के बाद 29 नंबर, फाउंडर ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। देखो ये एक मेथड ऐसा है जिसके दो अलग अलग पापा है, लेकिन यहां पर जो है अलग होगा सवाल। तो पूछ रहे हैं कि इंडक्टिव और डिडक्टिव जो मेथड होता है उसके पिताजी कौन है, जल्दी जवाब दीजिएगा।
देखो अगर सवाल नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 है ऑप्शन, अगर कभी ये दोनों मेथड एक साथ आ जाएं तो इसे पढ़ाने वाले, अगर दोनों आए हैं तो फिलहाल जो सवाल का जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 29 का वो क्या होगा, एरिस्टोटल। लेकिन बेटा अगर कोई ना खाली पूछ लेगा इंडक्टिव तो याद रखना फ्रांसिस बेकन, और खाली अगर पूछ लेगा डिडक्टिव तो भी क्या होगा, एरिस्टोटल। तो सवाल को हमेशा याद रखना, अगर इंडक्टिव डिडक्टिव है तो एरिस्टोटल है, खाली अगर इंडक्टिव है तो फ्रांसिस बेकन है। क्लियर है जी, चलिएगा आगे। सर ये क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं बेटा, नहीं नहीं सारे के सारे सवाल ना अध्ययन मंत्रा जो मेरी सीडीपी वाली बुक है ना उसका प्रचार नहीं कर रहा अभी, मैं कर देता वरना उसमें मिल जाते हैं आपको सारे। आगे बढ़ो नए सवाल की तरफ। ये रहा द टर्म लेटरल थिंकिंग वॉज कॉइन बाय, ऑफलाइन क्लास में कल ही पढ़ाया था संडे में, लेटरल जो थिंकिंग होती है, लेटरल जो थिंकिंग होती है वो किसने कॉइन की थी, किसने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, जल्दी भाई खोल दे बेटा गेट। लेटरल जो थिंकिंग होती है ये शब्द किसके द्वारा खोजा गया था, टोरेंस द्वारा, गिलफर्ड द्वारा, एटिक्सन द्वारा, एडवर्ड डी बानो। तो याद रखना बेटा एडवर्ड डी बानो किसके द्वारा दिया गया था, बताएं जल्दी। बहुत बढ़िया सर, बुक दिखा दो, ये लो देख लो इसको, यहां से ले तो चले गए, यहां से ले गए, कहां गई बुक, यहां की, यहां से बुक ही उठा के ले गए भाई। हाँ जी, तो ये जो किताब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये किसने दिया है, एडवर्ड डी बैनो। अच्छा एडवर्ड डी बैनो जो साहब हैं उन्होंने क्या किया था, सिक्स थिंकिंग एट के बारे में बताया था, क्या बताया था, सिक्स थिंकिंग एट, छह चिंतन टोपी के बारे में बताने वाले जो साहब हैं उनका नाम भी क्या है, एडवर्ड डी बैनो। आगे देखोगे नए सवाल का, नए सवाल जो नया सवाल है वो आपके सामने आएगा, ये रहा प्लांट यूज सनलाइट फॉर, ईवीएस के सवाल आगे भाई, ईवीएस के सवाल हो गए, बताओ जरा प्लांट यूज सनलाइट फॉर, कि जो पादप होते हैं सूर्य के प्रकाश को कैसे उपयोग करते हैं, फोटोसिंथेसिस से करते हैं या फोटोलिसिस से करते हैं, फोटोपेरिडिज्म से करते हैं या फोटोरिस्पिरेशन से करते हैं, बताओ जल्दी। जिनके पास है वो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है ना। तो बेटा याद रखना आप सीधा जवाब है जो मेरे मुंह से पहली बार में ही निकल गया था, तो 15 नंबर का जवाब क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, जो है ऑप्शन नंबर प्रकाश संश्लेषण के रूप में। यहाँ नया सवाल कहता है इन द फूड चेन ह्यूमन आर, मतलब जो आहार श्रृंखला होती है उसमें जो मतलब हम लोग मानव है जो मनुष्य है वो कहां प्रोड्यूसर है, डीकम्पोजर है, कंज्यूमर है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है, मतलब फूड चेन में हम लोग कहां पर आते हैं, जल्दी जवाब दें। नंबर 32 आते आते तुम ढीले पड़ गए, तुम भी भाई दुखी कर रहे, कोई कह रहा बोल हटा दो, कोई कह रहा पढ़ लो। हाँ बेटा इनवेस के लिए भी जाना है, डाउनलोड कर ले, बताऊं मैं कैसे होगा। बहुत बढ़िया, तो याद रखना हम सारे के सारे हैं, तुम खाए पिए हो, तुम क्या हो, भोगता हो, क्या हो, कंज्यूमर हो, तो इसलिए सवाल का जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी। 32 के बाद 33 देखो जरा, आपसे पूछ रहे हैं पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज, प्रदूषण को आप कैसे बता सकते हो, प्रदूषण के बारे में आप कैसे परिभाषित करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा, प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड और टॉक्सिक सब्सटेंस होगा, डिस्ट्रॉइंग द लो प्लेयर ऑफ सोल होगा, सोइल होगा या फिर सारे के सारे होंगे, बताओ जल्दी क्या होगा इस सवाल का जवाब। देखो अगर बात कर रहे हैं पोल्यूशन तो प्रदूषण किस किस से फैलेगा, ऊर्जा के संरक्षण से, अवांछित विषैले पदार्थ से, मिट्टी की ऊपरी परत के उजाड़ने से। तो देखो अगर तुम्हें दिखोगे तो सरकारी जवाब लग रहा होगा, तो सारे के सारे एकदम बोलेंगे सरकारी जवाब डी, और डी होती धस जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। याद रखना प्रदूषण का कैसे डिफाइन करोगे, प्रदूषण के डिफाइन करने का मतलब होगा कि प्रदूषण में क्या है जो विषैले पदार्थ मिले हैं उस पर। तो सवाल नंबर 33 का देख लो जरा, है ना, मैं जानता था तुम लोग ऐसे होंगे क्योंकि सवाल तुम पढ़ेंगे नहीं। और देखो डी ने दसा दिया ना बेटा, दसा दिया, जैसे हरियाणा और यूपी में बोलते दसा देने का मतलब है जमीन में डरा देना, जैसे कुश्ती लड़ते हैं ना तो कुश्ती में जिसको हरा दिया जाता है उसे दसा दिया जाता है। तो यहां सवाल का जवाब तुमने लगाया लेकिन सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो ये रहा ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है कब, ओजोन डे कब मनाया जाता है बताओ जरा।
ओजोन डे कब बनाया जाता है? 30 जनवरी, 21 अप्रैल, 16 सितंबर, 15 दिसंबर। अभी होके गया था कुछ दिन पहले, या होने आएगा, आएगा कि चला गया? चलो, इस सवाल का जवाब 21। बेटा 21 अप्रैल को अर्थ डे बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? अर्थ डे बनाया जाता है। 21 को या 22 को? 22 को बनाया जाता है शायद। हाँ है ना, अर्थ डे। तो फिलहाल इस सवाल का जवाब होगा क्या है? 16 सितंबर। इसका जवाब क्या होगा? 15। बताना अर्थ डे कितने, 22 अप्रैल को बनाया जाता है ना अर्थ डे। क्या होगा? अर्थ डे कब बनाया जाता है? 22 को, 21 को नहीं। चलो आगे देखो, नया सवाल 35। बोट्स, BOD का मतलब क्या होगा? BOD का मतलब क्या होगा? बायोटिक ऑक्सीजन डिपॉजिट होगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा, बायोकेमिकल ऑर्गेनिक डिपॉजिट होगा, या बायोटिक ऑर्गेनिक डिमांड होगा? BOD, सॉरी, BOD। BOD का जो मतलब होगा बेटा 35 का, क्वेश्चन नंबर 35, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा। इसको बोला जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या बोला जाता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे नए सवाल की तरफ। जिन्होंने सवाल का जवाब दिया बिल्कुल क्या है, सही है बी। 35 नंबर के बाद ये रहा 36 नंबर। नॉइज पोल्यूशन इज मेजर्ड इन, जो भाई नॉइज पोल्यूशन होता है, ये ध्वनि प्रदूषण होता है, इसे आप कैसे नापते हैं? फैदम में, डेसिबल में, टन में, या किलोग्राम में? बताओ। नॉइज कानों वाला याद होगा ना? बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हो। नॉइस पोल्यूशन जो मेजर किया जाएगा वो किस आधार पर? तो एक बात याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 36 का जो नॉइस पोल्यूशन किया जाता है वो क्या होगा? डेसिबल, ध्वनि वाला, कान वाला, है ना। तो सवाल का जवाब भी बिल्कुल सही। आगे देखो नया सवाल। वन ऑफ द मेन कोज ऑफ सॉइल इरोशन इज, मतलब जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, उसके क्षरण का एक मुख्य कारण क्या होता है? फॉरेस्ट कवर होगा, डिफोरेस्टेशन होगा, दोनों के दोनों होंगे, या इनमें से कोई नहीं? जी, मिट्टी का अपनी जगह को छोड़ना किससे रीजन में होता है? डेसिबल को बेटा डीबी के साथ डिनोट करते हैं, डी छोटा होगा, बी बड़ा। बहुत बढ़िया, तुम तो सही समझदार हो। हाँ, डीबी ऐसे लिखा जाता है, डीबिया। फिलहाल इस सवाल का जवाब क्वेश्चन नंबर 37, क्योंकि दोनों ही रीजन है इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। आगे देखो नया सवाल 38 नंबर। द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का सबसे सस्ता जो वो है, मतलब स्रोत है, वो क्या होगा? द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, बताओ जरा। पूरा दिन हो गया, आवाज गड़बड़ हो गई। नंबर 38, ऑप्शन नंबर ABCD। 38 का जवाब सबसे ज्यादा, देखो लोगों ने क्या किया, अपने घरों के उसमें नहीं लगवा रखे वो जो सूरज से लेके आते हैं, ये आगे फिर दोबारा, तो जो सूरज से लेके आते हैं, इसको क्या बोला जाता है? सोलर एनर्जी। सबसे सस्ता और टिकाऊ है, सबसे सस्ता और टिकाऊ जो कहलाता है क्या? सोलर एनर्जी। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। 38 का जवाब ऑप्शन नंबर आप क्या दे रहे हैं? ए। आगे देखो 38 के बाद 39। विच क्रॉप इज कॉल्ड गिफ्ट ऑफ एशिया, कौन सा जो फसल है वो गिफ्ट ऑफ एशिया कहलाती है, एशिया का तोहफा कहलाने वाली फसल कौन सी है? 39 जवाब दो जरा, क्वेश्चन नंबर 39। 37 का बी तो लगवाया था बेटा, नहीं? ठीक, हाँ यार, वैसे बी भी हो सकता है, खाली सी नहीं हो सकता। 39, एक बार रिव्यू कर लेंगे बेटा। 39, हाँ वो प्रियंका, 39, 37 का ना वो इंग्लिश में एक जगह एरर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो सकता है हिंदी के हिसाब से। जी चलेगा, आप आगे बढ़िएगा, नंबर 39 का जवाब दीजिएगा। हाँ प्रियंका सही बोल रहे बेटा। चलो 39 का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सबसे ज्यादा एशिया के लिए क्या जाना जाएगा, याद रखिएगा। हाँ, कोई बता रहा है ए, कोई बता रहा है, सवाल नया है। सवाल क्या है? विच क्रॉप इज कॉल्ड गिफ्ट ऑफ एशिया, कौन सी फसल कहलाती है गिफ्ट ऑफ एशिया, बताओ जरा। हाँ 39 का अलग अलग जवाब दे रहे हो भाई तुम लोग तो, है अलग अलग जवाब दे रहे हो, ये तो कोई बात ना हुई। याद रखना बेटा क्या है? राइस, सही है बिल्कुल। आगे देखो
द नेम ऑफ द पर्सन एसोसिएटेड विद द चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट के साथ जुड़े हुए जो इंसान है उनका नाम क्या था। जब आप गार्डनर साहब की थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें एक वो आता है नेचुरलिस्टिक, उसमें इनका नाम लिया जाता है। तो बताओ जरा क्या नाम है इनका? राइस ही है बेटा, राइस ही होता है। तो आपसे अगर पूछ रहे हैं कि बताइएगा चिपको आंदोलन के साथ, चिपको मतलब पेड़ को काटने जा रहे थे, ये किसको चिपक गए थे? पेड़ को चिपक गए थे। तो इस वजह से इनके जो आंदोलन का नाम है बाद में क्या पड़ गया? चिपको आंदोलन। और बेटा उनका नाम जो है वो है सुंदरलाल बहुगुणा। क्या नाम है? सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर ए। 40 के बाद नया सवाल देखो, ये रहा हिंदी का सवाल, पितरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइएगा पितरण जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? पितरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 41 पितृ प्लस ऋण होगा, और जो आपके सामने ऑप्शन नंबर कहां होगा? डी। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दिया वो बिल्कुल क्या है? सही। आगे देखो, वीरांगना का सही संधि विच्छेद बताओ। वीरांगना का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वीरांगना, किन्हीं दो वीरांगनाओं का नाम भी बताना। चलो किन्हीं दो वीरांगनाओं का नाम भी बताना। सवाल नंबर 42, सवाल नंबर 42, वीरांगना का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 42 का ऑप्शन नंबर अमिता सिंह सबसे पहले डी देते हैं, देखते हैं 42 का। तो बिल्कुल ठीक है, वीर प्लस क्या है? अंगना, और ये जवाब है ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आपको बताना है मुझे कोई भी दो वीरांगनाओं का नाम, उसके बाद बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। वीरांगना का जो, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर क्या है? जिन्होंने बी दिया गलत है, वीर प्लस आ है ना, अंगना, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई है अहिल्याबाई होलकर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सावास मेरे बच्चे। 42 के बाद नंबर 43, श्वेत का विलोम शब्द क्या होगा? जो श्वेत होता है उसका विलोम शब्द क्या होगा? अश्वेत होगा, कृष्ण होगा, श्याम होगा या मलिन होगा? श्वेत का जो विलोम होगा वो क्या होगा? 43 का झांसी की रानी से। देखो श्वेत जो कलर होता है तो व्हाइट कलर क्या होता है? श्वेत होता है। और श्याम क्या होता है फिर? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। श्वेत का मतलब क्या होता है? जो श्वेत शब्द है उसका मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ भाई। श्वेत का विलोम शब्द, बहुत बढ़िया। 47 का जो आंसर होगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? श्याम होगा। नंबर 43 के बाद ये है नंबर 44, पिशुन का पर्यायवाची क्या होता है? पिशुन का पर्यायवाची क्या होता है? सफेद और व्हाइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो नंबर पूछ रहा है पिशुन का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होगा? पिशाच होगा, चुगलखोर होगा, पीसना होगा, बेईमान होगा। बहुत बढ़िया। अरे तुमने गाना नहीं सुना राधा मैया वाला? वो कृष्ण जी कहते हैं मैं श्वेत, वो है ना, मैं श्याम और वो श्वेत, कुछ ऐसा नहीं होता, काला और जो गोरा होता है। हाँ चलो आगे, नंबर आपका 44 का जो जवाब होगा बेटा, इसको पिशुन होता है वो लोग जो चुगल खोर होते हैं, जैसे कान खजूरे नहीं होते, कान खजूरे कौन होते हैं? कान खजूरे होते हैं जो इस कान के इस कान को लगाते हैं, यहां से सुनेंगे वहां फैला देंगे, तो कान खजूरे बोलते हैं उन्हें अपने यहाँ। हाँ तो इस सवाल का जवाब क्या होगा? चुगल खोर। नया सवाल देखो, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो क्या होगा? मतलब कोई भी आप भाषा की किताब लिखेंगे तो उसमें सबसे कम किसको बल देंगे, मतलब सबसे कम महत्वता किस चीज को देंगे? नंबर 45, नंबर 45 मेरे बच्चे, हाँ वही ना, राधा की ग्योरी में क्यों काला श्याम बोले हमारे, है ना, बिल्कुल। चलो आगे बताओ जरा इस सवाल का जवाब जो आपके सामने है, और ये सवाल आ गया आपके सामने, नंबर कितना था यार? इस मक्खी ने भी दुखी कर दी भाई, सबसे कम महत्वपूर्ण पूछ रहा है नंबर 45। बहुत बढ़िया, 45 का जितने लोगों ने जवाब, पाठों की संख्या, इसका मतलब विविधता हो, अलग अलग टाइप हो, वैरायटी, एक्सप्लेनेशन नहीं सॉरी नया, जो स्त्री के वशीभूत हो उसके लिए क्या शब्द होगा? ओए होए, जो स्त्री के बस में हो, जो स्त्री के बस में हो, वैसे मूवी आ जाती है जोरू का गुलाम, तो यहां पर जोरू का गुलाम तो है नहीं, अब तुम्हें बताना है स्त्री दास होगा, गुलाम होगा, स्त्रण होगा, प्रेमी होगा,
क्या होगा जो स्त्री का गुलाम है, स्त्री के वसीभूत होगा। नंबर 46 आज का सर्वोत्तम सवाल है, सर्वोत्तम सवाल आज का, इस बात पे तो लाइक बढ़ जाने चाहिए। जो स्त्री के वसीभूत होगा वो स्त्री का दास होगा, गुलाम होगा, प्रेमी नहीं, इसका मतलब दिमाग ही लगा लेना था, स्त्रीण होगा। तो सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जिन लोगों ने 46 का जवाब सी दिया है वो एकदम क्या है, बढ़िया बेहतरीन। आगे बढ़ो, आएगा सवाल नंबर 47। अभिज्ञ अविज्ञ शब्द युगम का अर्थ भेद क्या होगा, बताइएगा। नंबर 47 ऑप्शन नंबर ए बी सी, 47 का जवाब जी हाँ 47 ना, प्रेमी ना था बेटा वो। तो आपके सामने नंबर आता है 47, और देखो 47 है सीधी सी बात है, और जवाब क्या होगा, ए बी सी डी। अभिग होगा वो वाला जिसके बारे में क्या होगा, युग्म का अर्थ भेद क्या होगा, तो ये क्या होगा, जानकार, और क्या होगा, मूर्ख। तो 47 का जवाब ऑप्शन नंबर बी देते हैं लगभग लगभग सारे लोग, 58% लोगों ने इसको चुना है इसी तरीके से, बहुत बढ़िया, जानकार और मूर्ख के रूप में। अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द क्या होगा, अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द क्या होगा, मतलब प्रत्यय और जो उपसर्ग है वो नहीं बताना यहां पर जी, बताइएगा कौन सा होगा। तो आपने पूछा है अप्रत्याशित, बहुत बढ़िया, सवाल नंबर 48 ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, और 48 का जितने लोगों ने जवाब दिया है ए बी अप्रत्याशित, मूल शब्द जो होगा प्रत्याशित होगा। वाह तुम जियो हजारों साल, तुम्हारे सवाल होंगे सारे खराब हैं, पढ़ लिया करो बेटा। 48 का जो सही जवाब है वो याद रखिएगा, अप्रत्याशित नहीं क्या होगा, आशा। तो आशा जो है ना, हाँ मतलब अप्रत्याशित जो है उसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो जिन लोगों ने बी लगाया सही, 48 के बाद 49। दूब का पर्यायवाची क्या होगा, दूब का पर्यायवाची है ना, दूब। ये अक्सर ये जो चीज है ना, जो तुम्हारे यहाँ घर में पंडित जी पूजा करने आते हैं तो तुमने देखा होगा हवन हो रहा होगा तो कहते हैं जाओ थोड़ी सी दूब लेके आ जाओ, समझ जाओ अगर क्या होगा। हाँ धूप का पर्यायवाची क्या होता है, धूप पलक घास ताप, बताइएगा क्या होगा, धूप पलक घास ताप क्या होता है धूप का पर्यायवाची। नंबर 49, और 49 का जो सही जवाब होगा बेटा याद रखना वो कहते हैं घास, है ना, जो घास होगा। तो सीता मैया ने एक दूब के तिनके से रावण को बोला था हट जा रे रावण, तो इसलिए भी यहां से भी याद रखना। तो दूब जो होता है उसे क्या बोला जाता है, घास, घास का तिनका जैसे देखा होगा ना। और आज का अंतिम सवाल नंबर 50, बहुभाषिकता हमारी डैश भी है और डैश हमारी सभ्यता एवं डैश का अभिन्न अंग भी है, बताइएगा नंबर 50 किसके साथ आप पहुंचेंगे 50 का जवाब देने, 50 का जवाब जी, सवाल नंबर 50 ऑप्शन नंबर ए बी सी। तो याद रखिएगा बहुभाषिकता, जो बहुभाषिकता है वो हमारी देश की क्या है, पहचान भी है और हमारी सभ्यता और संस्कृति भी है। तो जिन लोगों ने सवाल का जवाब लगाया ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल एकदम है सही, एकदम सही ऑप्शन नंबर बी। अब फटाफट अपना स्कोर बता दो, आज का स्कोर क्या रहा सब लोगों का, आज का स्कोर क्या रहा सब लोगों का, 50 सवाल पूरे, फटाफट से स्पीड से चलें। हाँ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक घंटा होने वाला, इसका मतलब सही है, स्पीड सही थी आज हमारी, बताओ भाई। बहुत बढ़िया, टोटल है अपने, काउंट करो जल्दी से और काउंट करके मेरे को बता दो आज का स्कोर कितना रहा तुम लोगों का। स्कोर बेकार भी रहा है, 13 भी है, इसको तो पढ़ना पड़ेगा, 45 है, 30 मतलब अब है, जिनके 10 नंबर आए भाई वो तो पढ़ लो यार, 141 बहुत बढ़िया। जिनका स्कोर बेटा 35 से प्लस है वो बढ़िया काम कर रहे हैं, जिनका स्कोर उससे कम है वाला, तो क्लास को अपना भाई जिनको पसंद आई है तो जाते जाते लाइक शेयर करते जाइएगा। अब बस मैं आपसे, क्या अगले वाली क्लास लोगे या छुट्टी कर दूं? हाँ भाई तो थैंक यू कर दीजिएगा, हमने थैंक यू कर दिया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्लियर है। तो आज फिर इतना ही है, टेस्ट का सेशन कल फिर मिलेंगे आपसे शाम को 8 बजे।
शाम को क्या मिलेंगे, 8। यार एक बात बताओ, एक सेशन ना 8 बजे हो जाएगा, एक 9 बजे हो जाएगा, लगातार दो में मजा से नहीं आएगा। टेस्ट दोपहर में सुबह को कर दूं या टेस्ट? हाँ, या क्लास नहीं दो, टेस्ट ही ले लिया करो डेली। नहीं, क्लास भी करानी है। अरे ये बताओ टेस्ट क्या करें, टेस्ट कंटिन्यू रखे, क्लास कंटिन्यू रखे, दोनों कंटिन्यू रखे? ऑप्शन नंबर ए टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी क्लास, ऑप्शन नंबर सी बोथ। वैसे मैं तुम्हारा जवाब जानता हूँ, बस फिर भी ट्राई मार रहा हूँ। क्लास लेना है सर जी, वो आगे ना दोपहर में। ऑप्शन नंबर ए क्या बोला मैंने, जल्दी बता दो, फटाफट खत्म करें आज की क्लास में। एनवीएस की कोचिंग बेटा जीटीपी नगर सेंटर पे है, सुबह में, दोपहर में, बोथ में, टेस्ट में, बोथ में, टेस्ट में, बोथ में, दोपहर में, बोथ में, बेस्ट कंटिन्यू, टेस्ट 10 बजे के बाद। हाँ बस मैं ही, अपनी तो जिंदगी में कुछ काम ना रहे। चलो कल देखेंगे, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। आज की क्लास होगी क्योंकि आज का टाइम है 9:30 है ना, अगली क्लास ठीक है 9:30 बजे मिलते हैं, वही डिटेल वाली क्लास में। टेस्ट हो गया, 9:30 बजे मिलेंगे सीडीपी क्लास में। ओके बाय बाय।